नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एस्ट्रोलॉजिकल गुरुजी में। और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ईश्वर हमसे लगातार संपर्क करता है और हर वक्त हमारी चारों ओर मौजूद होता है, लेकिन फिर भी इतनी विशाल मौजूदगी के बाद भी हमें उसका अनुभव नहीं हो पाता। बहुत पूजा पाठ करने के बाद भी कई बार भक्त को ईश्वर की मौजूदगी का पता नहीं चल पाता और प्रभु के दर्शन ना होने से भक्त निराश होने लगते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमें कुछ ऐसी सूक्ष्म बातों का, कुछ ऐसे संकेतों का बोध ही नहीं जो ईश्वर के संकेत होते हैं। इन संकेतों को ना समझने के कारण हमारे तार हमारा संपर्क ईश्वर की ऊर्जा से नहीं हो पाता है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे 5 संकेतों की, जिनमें यदि एक भी संकेत आपको मिलते हैं तो समझिए भोलेनाथ की जिन कृपा आपके ऊपर है, वो हर वक्त आपके साथ है, आपके बहुत करीब है। और इन संकेतों के मिलते ही यदि आपको अपने साधना, अपना पूजा पाठ और भी ध्यान लगाकर शुरू कर देना चाहिए और आपको ये समझ लेना चाहिए कि आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपने अपने प्रभु की आहट को समझ लिया है। तो सबसे पहले जानते हैं पहला संकेत, और वो है कि जब शिव कृपा व्यक्ति पर होती है तो उसे भविष्य की घटनाओं का पूर्वाभास होने लगता है और खासकर स्वप्न के माध्यम से ऐसा होता है। दोस्तों, हमारा जो चेतन मन है वो हमारे जागने पर सक्रिय होता है, जबकि हमारा अवचेतन मन सदैव सक्रिय रहता है, और निद्रावस्था में जो भी हम सपने देखते हैं वो अवचेतन मन ही दिखाता है। और ये सपने होते हैं एक व्यक्ति की तमाम इच्छाओं और समस्याओं और लालसाओं का परिणाम होते हैं। लेकिन जब एक व्यक्ति निरंतर सिख साधना में रहता है, शिव की भक्ति में लीन रहता है, तो ऐसे व्यक्ति का मन और मस्तिष्क अद्भुत ऊर्जा से भर जाता है। व्यक्ति की आत्मिक शक्ति बढ़ जाता है, व्यक्ति की ऊर्जा केंद्रित होती है और विजन पावर बढ़ जाता है। और ऐसे में अवचेतन मन ब्रह्मांड में फैली देवी ऊर्जा की संपर्क में आ जाता है, भगवान शिव से, उस शाश्वत सत्य से, उस शाश्वत ऊर्जा से जुड़ जाता है। और ऐसे में जो सपने आते हैं वह सत्य घटित होते हैं। भगवान शिव जो सर्वोच्च चेतन है, स्वयं वो है, वैसी परम शक्ति से जोड़ने के बाद जो भी स्वप्न व्यक्ति को आते हैं और विशेषकर जो स्वप्न भ्रपुर मुहूर्त में व्यक्ति को आते हैं वो भविष्य की घटनाओं का पूर्वाभास होते हैं, और भविष्य में होने वाली घटनाओं का व्यक्ति को पहले ही पूर्वाभास हो जाता है, पहले ही ज्ञान हो जाता है। ये सिर्फ शिव कृपा से ही संभव है कि व्यक्ति अपने अंदर की असीमित संभावनाओं को स्पष्ट करने लगता है, देवतुल्य हो जाता है। और ऐसे ऐसे पूर्वाभास व्यक्ति को न सिर्फ स्वप्न में बल्कि किसी भी समय हो सकते हैं, जो साधारण चेतना के स्तर पर अनुभव करना असंभव है। तो ये शिव कृपा का बहुत बड़ा खास संकेत है। दूसरा संकेत शिव कृपा का है कि जो भी वाणी आप बोलती हो वो सत्य हो जाती है, विशेषकर जब आप ध्यान कर रहे होते हो तो उस समय मन में अस्मत कुछ विचार आ जाता है, या ध्यान के तुरंत बाद आप कुछ बोलते हो तो वह वास्तव में घटित हो जाता है। तो यह शिव कृपा का एक बहुत बड़ा संकेत है। इसके पीछे का कारण यह है कि जब आप साधना में गहरे उतरते हैं तो अंतर मन में छाए नकारात्मक विचार, हर तरह के विचार खत्म होने लगते हैं और मन निर्मल होने लगता है। आपके चक्र और विशेषकर आज्ञा चक्र, अनाहत चक्र और विशेष चित्त जागृत हो जाते हैं, ईश्वरीय ऊर्जा से सक्रिय हो जाते हैं, आपकी एनर्जी भौतिक की हो जाती है और आप शिव की ऊर्जा से संपर्क बैठा पाते हो। शिव जो ब्रह्मांड का आधार है, कण कण में व्याप्त है, उनकी दिव्य अनुभूति आपके अंदर मन में गहराई तक उतरने लगती है। तब उसी स्थिति में आप जो भी बोलते हो या जो भी विचार आपको आते हैं वह मिथ्या प्रलाप ना होकर बहुत प्रभावपूर्ण हो जाते हैं और आपका बोला हुआ सत्य हो जाता है। वाक सिद्धि की तरफ आप बढ़ने लगते हैं, तो ये शिव कृपा से ही संभव हो पाता है। आपकी चेतना का स्तर बहुत ऊपर हो जाता है, दिव्य हो जाता है, और चेतना का यह स्तर तभी एक व्यक्ति का हो पाता है जब वह शिव भक्ति में संपूर्णता डूब जाता है, शिवमय हो जाता है, भोलेनाथ के रंग में रंग जाता है। शिव कृपा का तीसरा संकेत है कि आपके बिगड़े हुए कार्य बनने लगते हैं और जो भी समस्याएं आपके जीवन में हैं उनका कोई ना कोई हल, कोई ना कोई उपाय आपको नजर आने लगता है। दोस्तों, हर व्यक्ति के जीवन में बहुत सी समस्याएं और बहुत से चैलेंजेज होते हैं, और कई बार रास्ता ऐसे हालातों से उबरने का उसे नजर नहीं आता, लेकिन यदि भोलेनाथ की कृपा व्यक्ति के जीवन में हो तो उसे कोई ना कोई रास्ता जरूर नजर आता है।
और ऐसा ज्यादातर तब होता है जब आप शिव भक्ति में लीन होती हैं, बहुत गहरे डूबे होते हो, तो अचानक ही आपके मस्तिष्क में कुछ ऐसे विचार, कुछ ऐसे संकेत आते हैं जो आपकी समस्या से जुड़े हुए होते हैं, और उस समस्या से उबरने का कोई ना कोई रास्ता एक विचार के रूप में आपके दिमाग में आता है, और दैवीय कृपा से कुछ ऐसे संकेत आपको मिलते हैं जो आपकी उलझनों से बाहर निकलने में आपकी सहायता करते हैं, और यह संभव हो पाता है भोलेनाथ की कृपा से। जब आपकी परेशानी का हल आपको मिलने लगता है, आपका जीवन ज्यादा सरल, ज्यादा बेहतर होने लगता है, तो समझिए कि शिव की ऊर्जा से आप पूरी तरीके से, पूरी गहराई से जुड़ चुके हैं और वो आप पर नजर रखे हुए हैं। चौथा संकेत शिव कृपा का है कि आपके नींद ब्रह्म मुहूर्त में खुलने लगता है। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा दिव्य और पवित्र पहर होता है जब समस्त देवी ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जा है, जो परम सत्ता अर्थात शिव की ऊर्जा का ही एक हिस्सा है, पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई होती है। ऐसे समय में यदि व्यक्ति की नींद स्वतः ही खुलने लगे तो यह कोई साधारण बात नहीं है, यह संकेत है कि आप शिव की ऊर्जा से जुड़ चुके हैं, और ब्रह्म मुहूर्त में देवी संकेत, देवी आभास आपके और चेतन मन में घुसते हैं और आपकी नींद खुल जाती है बिना किसी के जगाए, बिना किसी के अलार्म के। ऐसे में आपको समझना चाहिए कि भगवान का इशारा है आपके लिए कि आपको इस समय को सोने में व्यर्थ नहीं गंवाना है, बल्कि ईश्वरीय इच्छा को समझकर इसका पूरा लाभ उठाना है और भोलेनाथ की भक्ति में डूब जाना है। पांचवा संकेत जानते हैं, स्वप्न में अगर आपको शिवलिंग नजर आए, शिवालय नजर आए, या शिवलिंग पर जल अर्पित कर रही है ये नजर आए, तो एक बहुत बड़ा संकेत है शिव कृपा का। दोस्तों, यदि स्वप्न आपको आते हैं तो आप बहुत ज्यादा भाग्यशाली हैं कि भगवान शिव के दर्शन आप स्वप्न के माध्यम से कर पा रही हैं। इसके अलावा भगवान शिव के प्रतीक चिन्ह है, जैसे डमरू है, रुद्राक्ष है, सर्प है, त्रिशूल है, सांप आदि, ये सब स्वप्न में नजर आए तो ये भी शिव कृपा का एक बहुत बड़ा संकेत है। यदि इसे कोई भी चिन्ह और कोई भी संकेत आपको स्वप्न में दिखते हैं तो आपको भोलेनाथ की भक्ति में और भी गहराई से और पूरे अंतर मन से उतर जाना है, और यदि आप ऐसा कर पाती हैं तो आपके जीवन का जो परम लक्ष्य है, जो है शिव में मिलना, वो आपसे ज्यादा दूर नहीं होगा। तो दोस्तों, ये थी वो पांच संकेत जो यदि आपको मिलती हैं, जिनमें से एक भी संकेत आपको मिलता है तो समझ लीजिए कि आप बहुत खास है, बहुत स्पेशल हैं और बहुत भाग्यशाली हैं। ऐसे में शिव की भक्ति और भी ज्यादा डूब कर आपको करनी चाहिए। तो अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलते हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।